हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फूड कोर्ट। आज मैं आपसे लोबिया करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अमूमन जो लोबिया करी बनती है उसमें बॉयल्ड लोबिया का इस्तेमाल किया जाता है। उसे रेगुलर राजमा की सब्जी की तरह नॉर्मली लोग बना देते हैं, लेकिन आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसमें बिना बॉयल किए हुए लोबिया का इस्तेमाल किया है, बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ। इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत स्वादिष्ट बनेगी। आइए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी के लिए 400 ग्राम लोबिया लें और इसे 4 से 6 घंटों के लिए भिगो दें। ये देखिए, 6 घंटे बाद ये लोबिया फूल कर बिल्कुल तैयार है। अब हाई फ्लेम पर एक प्रेशर कुकर लें, 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। ऑयल गर्म होने के बाद 2 तेज़पत्ता डालें। तेज़पत्ता जैसे ही थोड़ा फ्राई हो जाए, 1.5 बड़ा साइज का प्याज स्लाइस करके डाल दें। ऐसी करी, ऐसी सब्जियों में स्लाइस किए हुए प्याज का अलग ही मज़ा होता है। इसमें प्याज चॉप करके ना डालें, इस तरह से स्लाइस करके डालें। और अब इसे तब तक फ्राई करें जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। फ्लेम हाई रखें, बीच बीच में इसे चलाते रहें जिससे कि प्याज जले नहीं। ये देखिए, प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दें। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे तब तक फ्राई करें जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, यानी 2 से 3 मिनट। ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें 2 छोटे साइज़ का टमाटर चॉप करके डाल दें। टमाटर को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, इसे 1-2 बार चला दें, ये बाद में अपने आप कुक हो जाएगी। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें। लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डालें, मैंने यहाँ पर बहुत कम इस्तेमाल किया है। 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालें। नमक स्वाद के अनुसार डालें और इसे मिला दें। इसे तब तक फ्राई करें जब तक कि तेल अलग ना होने लगे। इसे चलाते रहें। तेल अब ये अलग हो गया है, यानी मसाले भुनकर तैयार हैं। और अब इसमें पहले से भिगोए हुए लोबिया को डाल दें। लोबिया डालने के बाद इसे अच्छे से मसालों के साथ कोट कर दें, बहुत ही से जेंटली मिक्स करें। मसालों के साथ जब ये अच्छे से कोट हो जाए तो इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए मसालों के साथ ही इसे भुनने दें। इसका भुनना बहुत ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर दें और अब इसमें पानी ऐड करें। यहाँ पर मैंने 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है, आप ज़रूरत अनुसार थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। पानी डालने के बाद इसे एक बार फिर मिक्स कर दें। और अब इसे प्रेशर कुक करते हैं हाई फ्लेम पर। इसे 1 विसल आने दें, उसके बाद से फ्लेम मीडियम करके 4 से 5 विसल और आने दें। यहाँ पर मैंने इसे 5 विसल दिलाए हैं। प्रेशर निकलने के बाद लिड हटाई है मैंने, और ये देखिए लोबिया अभी मुझे रेडी लग रही है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। एक जेंटल स्टर देते हैं, बहुत तेज़ी से ना चलाएं, क्योंकि लोबिया अगर कुक हो गई है तो फिर वो मशी हो सकती है। चेक करते हैं और ये देखिए, ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, इसलिए मैंने 1/4 कप पानी और इस्तेमाल किया है और फिर इसे वापस से हाई फ्लेम पर रखा है, क्योंकि अब मुझे इसमें गरम मसाले ऐड करने हैं। ये 2.5 टीस्पून गरम मसाला है और 2 से 3 चम्मच कसूरी मेथी है, जिसे मैं क्रश करके डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें, गरम मसाला और कसूरी मेथी को, जिससे कि इसकी खुशबू और इसका स्वाद इसमें अच्छे से जज्ब हो जाए। इसके बाद मुझे प्रेशर नहीं लगाना है, मैं इसे सिर्फ कवर करूंगी। फ्लेम अब लो कर दें और इसे अच्छे से कवर कर दें। ध्यान रखें कि अब प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोबिया ऑलरेडी कुक्ड हो गई है। मैं इसे सिर्फ ढक रही हूँ, प्रेशर नहीं लगा रही हूँ। 10 मिनट के बाद अब ये लोबिया बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपके पास हरा धनिया अवेलेबल है तो आप चॉप करके इस टाइम पे डाल सकते हैं।
अदरक कतर के डाल सकते हैं और इसे गर्मा गर्म राइस, रोटी, पराठा या नान किसी के भी साथ सर्व करें। ये बहुत स्वादिष्ट लगेगी। मेरे पास धनिया पत्ता अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इसे अदरक के स्लाइसेस के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन हिट करें एंड इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट्स और क्वेरीज प्लीज़ डू शेयर विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।